नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार कार्यक्रमों की। तो शुरुआत करते हैं धारावाहिक महाराजा रणजीत सिंह के साथ और देखते हैं कि आज क्या कुछ खास रहेगा इस धारावाहिक में। हम सिख हैं, पंथ में दहेज लेना और देना दोनों हराम है, यह हमारी परंपरा नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये दो बिना लड़े ही रह जा सकते। वो कैसे? एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? आप तीनों को अलग अलग मुझसे तलवारबाजी करनी है और आप तीनों में से कोई भी जीत गया तो ये जमजम तोपा आपकी। सच कह रहे हो रंजीत, अपनी जबान से फिर तो नहीं जाओगे। तो देखते रहिए धारावाहिक महाराजा रणजीत सिंह सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। और सियाराम एक प्रेम कथा में आज आपको देखने को मिलेगा कि फुलवा मंजरी से कहती है कि उसकी बातों से अब सिया और रुद्र के बीच दूरी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इधर कौशिक अपनी बातों से मंजरी को खुश करने की कोशिश करता है। सब पता रहता है आपको जीजी, आप तो दुरंदेशी हो। पता कैसे नहीं होगा फुलवा, रुद्र की कमजोरी, उसका डर, उसका अहम, उसकी खराब आदतें, सब पता है हमें। ये सारी चीजें हमने पैदा की है उसके अंदर। वैसे मौसी, अपनी जो हार पहना है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप पे। सच कह रहे हैं, एकदम जच रही हो, एकदम करीना कपूर जैसी लग रही हो। तो आखिर कौशिक ऐसा क्यों कर रहा है, जानने के लिए देखिए धारावाहिक सियाराम एक प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं धारावाहिक क्यों की जीना इसी का नाम है कि इस धारावाहिक में आज आप देखेंगे कि आसिफ शबनम को मारने की असफल कोशिश करता है। शबनम आसिफ को इस बात के लिए आगाह करती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो उसे सबके सामने बेनकाब कर देगी। वक्त बदल गया है आसिफ मियां, अब मैं भाषण देने के अलावा भी बहुत कुछ जानती हूँ। और कहीं मैं तेरे घर आ गई तो भरे मोहल्ले में हथेली पर 32 गिनता कैसा लगेगा, सोच लेना। तो क्या आसिफ शबनम को परेशान करना बंद करेगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक क्यों की जीना इसी का नाम है सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार कार्यक्रमों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।